फ्रेंड्स, यानी एक छोटा सा एक्सपीरियंस अबाउट DTDC, यानी लास्ट 1.5 ईयर ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास डिफरेंट टाइप के कोरियर आते हैं, फ़ोन्स आते हैं, हम डिलीवरी भी करते हैं रीफर्बिश्ड फ़ोन्स। और वन ऑफ माय स्टूडेंट जिन्होंने हमारे से रीफर्बिश्ड फ़ोन्स जो रिपेयर किया, सर्विस का एक पार्सल था, रेगुलर विल गिव द ऑल द पार्सल इन DTDC, इट्स अ नाइस सर्विस। बट कभी कभी होता है इतफाक़ से या जानबूझ के किया जाता है या नहीं करते हैं पता नहीं, ये एक बिल्टी नंबर है जिसको ट्रैकिंग आईडी जनरली बोलते हैं। ये अभी ट्रैकिंग आईडी DTDC इसके ऊपर कितना सीरियस लेता है या हमें क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए इस छोटे से एक्सपीरियंस से, महीने के 100 पार्सल आ गए, 100 चले गए, कभी भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो लाइक अभी एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये पार्सल यानी गोपाल ने जो पिकअप किया हमारे यहाँ से, इन्होंने पार्सल को भेज दिया और ये सोलापुर एक डीलर के पास चला गया, यानी सोलापुर का डीलर है अनिल करके, उसके ब्रांच का नंबर है P06। अभी वो बंदा बोलता है कि इसके अंदर जो पार्सल था वो मिसप्लेस हो गया है, यानी वो लापरवाह एक डीलर है अनिल DTDC, यानी ऐसी जिसके अंदर 15 फ़ोन है, एक वैल्यूबल है, इन्होंने इस बिल्टी को यानी जो हमारे यानी ये कोरियर चार्ज हमारे से लिया वो 1000 रुपीज़ है, और उसकी बॉक्स की इंटायर 15 फोन्स की DTDC ने वैल्यू डाली है 100 रुपीज़। अगर मैं इनसे फाइट करूं और क्लाइम करूं तो मैं सिर्फ 100 रुपीज़ ले सकता हूं, जो वर्थ 1 लाख रुपीज़ के फ़ोन है, यानी 15 फ़ोन है डिफरेंट कस्टमर्स के जो रिपेयर एंड सर्विस हैं। कभी ऐसा नहीं होता है, बट इस अनिल ने बदमाशी क्या की है, ये अनिल है, ये उसका ब्रांच और ये एड्रेस है, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ सीख सकता हूँ या अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, या मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं या डीलर हैं क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक तो ये कोरियर है जो लापरवाह कोरियर है, अगली बार हम इसको नेक्स्ट सर्विस नहीं देंगे। सेकंड, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं या कोई कस्टमर है, अरे वीडियो के माध्यम से अगर DTDC का कोई एक्सपीरियंस है, प्लीज़ इस डीलर के पास मोबाइल मत दीजिए, नहीं भेजिए। सेकंड, अगर मैंने कोई आपको कौन से भी कोरियर, अभी मुझे नहीं पता कितने तरह के कोरियर हैं, कितने तरह की ब्रांच है और कितने तरह की सर्विसेज हैं और कौन सा बेस्ट है कौन सा वर्स्ट है, बट DTDC का ये एक एक्सपीरियंस था जो घटिया था। 1000 रुपये डब्बे का डिलीवरी का इन्होंने हमारे से चार्ज किया है और उस डब्बे की वैल्यू डाली है 100 रुपीज़, जिसके अंदर वर्थ 80,000 रुपीज़ के मोबाइल हैं। थर्ड, यानी जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं या कस्टमर्स हैं या जो भी अपनी कोरियर से जो मोबाइल भेजते हैं, अगर मैंने उसको रिपेयर कर दिया, सर्विस कर दिया, या आपको मैंने जो मोबाइल दिए पार्सल किया, उस पार्सल को मैंने यहाँ से नीट से पैक कर दिया, ईच एंड एवरी बबल कवर में डाल दिया, उसके ऊपर फ्रॉम का एक एड्रेस डाल दिया, उसके ऊपर मैंने ये बिल्टी बना के आपको व्हाट्सअप कर दिया, तो इट्स योर मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपकी भी थोड़ी सी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इसके ऊपर जो ट्रैकिंग आईडी नंबर है आप खुद भी उसको ऑनलाइन जाके ट्रैक कर सकते हैं। आप अपने नियरेस्ट जो भी कोरियर सर्विसेज हैं उसमें जाके आप पूछ सकते हैं कि भैया हमारा पार्सल लेट क्यों है, आपके पास आ गया, या तो मैं आके ले लूँ या आप डिलीवर करेंगे। शुड बी इन द रेस्पॉन्सिबिलिटी बोथ साइड, मेरे यहाँ से निकल गया, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे से क्लेम करें या कंपनी से, अभी मैं कंपनी से कैसे क्लेम करना है और कुछ सजेशन है आपका तो इन बिलो कमेंट्स गिव मी सम आइडिया हाउ वी कैन टेक केयर, ताकि ये गलती अगली बार ना हो या फिर अगली बार DTDC को समझ में आ जाए कि सर्विस कैसे देनी चाहिए या क्या करना चाहिए। आई हैव इट्स लाइक वर्स्ट एक्सपीरियंस, 1000 रुपीज़ डब्बे का पार्सल जिसकी वैल्यू इन्होंने 100 रुपीज़ डाली, मेरे से पूछा ही नहीं कि इसमें 100 रुपीज़ का आइटम है, कैन यू गिव द बिल, यानी दैट इज़ नथिंग कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बोलते हैं ना एक जीन्यूनली। और ये मिस्टर अनिल एक यानी अत्ता माजी सटकली इसका सोलापुर के अंदर कहाँ ऑफिस है, आई विल रिक्वेस्ट माई स्टूडेंट कि भी जब भी आप कोई पार्सल मेरे से वापस रिसीव करते हो, यानी यहाँ पे मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है जब मैंने बिल्टी बना के ट्रैकिंग आईडी नंबर आपको दे दिया, तो आपको स्ट्रिक्टली उसे थोड़ा फॉलो करना चाहिए। आपकी भी थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस सेंटर पे जाऊँ और वहाँ से वापस ये पिक कर दूँ। अभी ये छोटा सा सेंटर है, यहाँ पे वो पार्सल है नहीं, यहाँ से निकल गया, यहाँ पे इस मिस्टर गोपाल की कोई गलती नहीं है, बट अभी क्या करें, लाइक इनसे फाइट करें तो 1000 रुपया वापस दे देगा, या क्लेम करूं तो ये मुझे 100 रुपये दे देंगे, यानी उस डब्बे के अंदर 15, यानी जो सोलापुर का जो ब्रांच है, यानी DTDC कुछ उस पर सीरियस लेके भी कहाँ रखें फ़ोन, प्लीज़ हैंड ओवर द कस्टमर्स फ़ोन 15, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वी हैव वेरी बैड एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस अबाउट DTDC, एंड इट्स लाइक पता नहीं हाउ द डिलीवरी इन इंटरनेशनल, यानी इतनी बड़ी ब्रांड होके इतना लापरवाह काम करते हैं। आई हैव वर्स्ट एक्सपीरियंस अबाउट DTDC, और अगर एज ए फ्यूचर के अंदर इनसे इनके साथ काम नहीं करेंगे, अगर हो सके तो ऐसे वीडियो को DTDC को टैग कीजिए ताकि समझ में आ जाए कि भाई कहाँ हमारी गलती है और कहाँ
रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम लिया जाता है। जब आपने काम लिया तो उसे हैंडओवर करना चाहिए। आज 1 मंथ हो गए, परेशान हो गए, इसलिए आज ये वीडियो बना के शेयर करना पड़ा। इफ DTDC से कोई बंदे हैं अगर चेक कर रहे हैं तो प्लीज़ यार, हर पार्सल इंपॉर्टेंट होता है, यानी वहाँ पे आज 15 कस्टमर को डिफरेंट टाइप का आंसर करना पड़ता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत प्रॉब्लम हो जाती हैं। यानी कोई छोटा सा सर्विस सेंटर चालू किया है, अगर उसको ऐसा धक्का लग जाए, आई विल रिटर्न दैट मनी इन माई स्टूडेंट, इज नाइट, देर इज़ अ नो प्रॉब्लम, बट देर इज़ अ कस्टमर को फेस करना, उन्हें प्रॉब्लम समझाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। 15 कस्टमर्स के फ़ोन है उसके अंदर। थैंक यू सो मच।